आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फलों के उत्पत्ति स्थान के बारे में, ओरिजिन प्लेस के बारे में। इसमें हम आपको याद कराएंगे जितने भी फल हैं उनके ओरिजिन प्लेस क्या क्या है, और उसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक से याद कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं फलों को उत्पत्ति स्थान कहाँ क्यों जाता है। किसी भी कोई फ्रूट है जैसे आम है या अंगूर है या कोई भी फ्रूट है या कोई भी वेजिटेबल है, फ्लावर है, कुछ भी है, जो कि जो भी क्रॉप है उसका एक स्थान होता है कि जहाँ पर उसके जन्म स्थान माना जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में एक होता है कि उसका जन्म स्थान पर्टिकुलर कोई गांव है या कोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसी प्रकार फल में भी उत्पत्ति स्थान भी होते हैं उनके। ये किसके बेसिस पर होते हैं तो आपको बता देते हैं कि जहाँ पर किसी भी, मान लीजिए आम है, तो आम की जहाँ पर बहुत से ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी मिले, इसे सेंटर ऑफ ओरिजिन कह दिया जाता है, जहाँ पर उसकी सबसे अधिक डाइवर्सिटी होती है। मान लीजिए कि कहीं भारत है, कहीं अफ्रीका है, कहीं पर किसी का ब्राज़ील है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर जो क्रॉप है या फल है, सब्जी है, वहाँ पर उसकी जो है सबसे अधिक जो उसके रिलेटिव वहाँ पर मिलेंगे और वहाँ पर उसकी अधिक जीन डाइवर्सिटी वो सबसे अधिक होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर बोलेंगे उसे उत्पत्ति स्थान। तो हमारा पहला जो सेंटर है वो है भारत। जो इंडिया के ओरिजिन के जो पौधे हैं, प्लांट है, फल है, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो उसके लिए हम ठीक आपको बताएंगे, उससे हम चुटकियों में सभी याद कर लेंगे जितने भी फल जो है वो इंडिया के ओरिजिन के हैं। उसकी जो ट्रिक है वो है बी जे पी की जीत। जो ट्रिक है वो है बीजेपी की जीत। ये ट्रिक है, आप उसे याद कर लेते हैं, बीजेपी की जीत। इसमें हम बताते हैं कि कौन कौन से फल है जो कि भारत ओरिजिन के हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा बी से बेल, और हो जाएगा बी से बेल, हो जाएगा बेल, हो जाएगा बेर एंड बेल, और जो है बी से हो जाएगा तुम्हारा ब्रिंजल, ब्रिंजल भी भारत के ओरिजिन का है। जे से हो जाएगा जामुन, जामुन। पी से हो जाएगा फालसा, के से हो जाएगा, के फॉर हो जाएगा करौंदा, और एक के से हो जाएगा कागजी, कागजी लाइन, जिसे एसिड लाइन भी बोलते हैं, एसिड लाइन। जे फॉर हो जाएगा जैकफ्रूट, जैकफ्रूट। तो यहां से आप बीजेपी की जीत से जितने भी भारत और के ओरिजिन के फल हैं उन्हें याद कर सकते हैं, बी फॉर ब्रिंजल एंड बी फॉर बेर, बी फॉर बेर, जे फॉर हो जाएगा जैकफ्रूट, सॉरी जामुन, पी से हो जाएगा फालसा, के से हो जाएगा करौंदा, और एक के से हो जाएगा कागजी लाइन या एसिड लाइन, और एक जैसे हो जाएगा जैकफ्रूट, जिसे कटहल बोलते हैं। तो इसे आसानी से आप याद कर सकते हैं कि बीजेपी की जीत, जिसमें ये जो फल है ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इन्हें इससे भी पूछा जाता है कि इंडिजिनस, इंडिजिनस फल कौन से हैं, पूछा जाए इंडिजिनस फल कौन से हैं, तो यही जो है जो इंडियन ओरिजिन के हैं तो उसे बोलेंगे इंडिजिनस फल, क्योंकि वो इंडिया में उनकी ओरिजिन हुई है, वहां पर इनके जो रिलेटिव है, इनके जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है, तो ये इसका जो ओरिजिन प्लेस हुआ वो इंडिया हुआ। अगला होने वाला है सेंटर, वो है मैक्सिको। अगला जो हमारा सेंटर होगा वो है मैक्सिको बारे बताएंगे, उसमें भी आपको ट्रिक बताएंगे, उससे आप आसानी से याद कर लेंगे। मैक्सिको या फिर सर ट्रॉपिकल अमेरिका
ट्रॉपिकल अमेरिका भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं उष्ण अमेरिका। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो भी ऐसे लिख सकते हैं अपना, इसे बोलते हैं उष्ण अमेरिका। ठीक है, इसकी ठीक है वो है इसकी भी ट्रिक बहुत शानदार है, आप इसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। मैक्सिकन मैक्सिकन कैप्स, मैक्सिकन मैक्सिकन तो यह होगा संतर का ना, ये जो ट्रिक है कैप्स, कैप जो लगाते हैं उसी से बना है कैप्स। इसमें हो जाएगा सी फॉर कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल जिसे शरीफा कहते हैं हिंदी में से बोलते हैं शरीफा, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उससे याद कर रखे हैं। ये समझ आएगा अवोकाडो, अवोकाडो ये समझ आएगा पपाया, पपाया पपीता। एस समझ आएगा सपोटा, जिसे हिंदी में बोलते हैं चीकू, चीकू। तो जो ट्रिक है हमारी हमारा मैक्सिकन कैप्स, तो सी फॉर हो जाएगा कस्टर्ड एप्पल शरीफा, ए फॉर हो जाएगा एवोकाडो, पी से हो जाएगा पपाया पपीता, और एस से हो जाएगा सपोटा चीकू। तो इस ट्रिक से आप जितने भी अमेरिका में ओरिजिन के फल हैं उनके आप याद कर सकते हैं। ये ट्रिक मैक्सिकन कैप्स से उस अमेरिका बोलते हैं, मैक्सिको भी बोलते हैं इसे। और एक इसमें आ जाता है गावा, गावा अमरूद जो है वो भी ट्रॉपिकल अमेरिका का ओरिजिन प्लेस का है, स्पेशली पेरू का, स्पेशली जो है पेरू, जो कि इसी ट्रॉपिकल अमेरिका में भी स्थान है वो पेरू, पर्टिकुलर पेरू का है, वैसे ट्रॉपिकल अमेरिका भी पूछा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा जो गावा है वो भी ट्रॉपिकल अमेरिका का है। जो हमारा अगला सेंटर है वो है ब्राजील, ब्राजील जिसकी ट्रिक है वो है पी पी सी, पी फॉर हो जाएगा पाइनएप्पल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनानास। एक पी से हो जाएगा पैशन फ्रूट, पैशन फ्रूट। सी फोर हो जाएगा कैशोनट, कैशोनट जिसे हिंदी में बोलते हैं काजू। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि पीपीसी, पीपीसी मीन्स पाइनएप्पल एंड पैशन फ्रूट एंड कैशोनट, इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्राजील। आल्सो रबर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्राजील, जो रबर है वो भी ब्राजील की ओरिजिन प्लेस की है, वो भी याद रखिएगा। अगला है चाइना, जो चीन है, किसका किसका जो जो फल है वहां का ओरिजिन प्लेस है। इसमें जो हमारी ट्रिक है वो है पास, पास होने की मुलाकात, पास होने की मुलाकात, पास होने की मुलाकात मंडारिन, मंडारिन लीची, लीची के साथ। ट्रिक हमारी वो है पास होने की मुलाकात मंडारिन लीची के साथ।
जिसमें जो पहला पी है उससे हो जाएगा आपका पीच, जिसे हिंदी में बोलते हैं आड़ू, एक टेम्परेट फ्रूट है, और एक हो जाएगा पी से पर्सिमन, एक माइनर फ्रूट है। अगला जो ए है, ए से हो जाएगा एप्रिकॉट, एप्रिकॉट जिसे खुम्बानी कहते हैं हिंदी में, खुम्बानी। एस फोर हो जाएगा स्वीट ऑरेंज, जिसे हिंदी में बोलते हैं मौसम्बी। हिंदी में बोलते से मौसम्बी। ये जो उसमें होने से की तक जो है वो सब साइलेंट रहेंगे, और मुलाकात में जो इससे हो जाएगा मलबेरी, मलबेरी जिसे हिंदी में सहजूत कहते हैं, सातूत। मंडारित से हो जाएगा मंडारित, जिसे हिंदी में कहते हैं संतरा। आप लोग देखे होंगे कि एक जो मार्केट में संतरा आता है वो लूज स्किन का होता है, उसकी जो आउटर कवर है वो मुलायम होता है, उसे बोलते हैं संतरा। और जो एक हार्ड जिसका जो पील है छिलका वो हार्ड होता है, उसे बोलते हैं मौसम्बी। ये दोनों में अंतर है। लीची से हो जाएगा लीची, लीची के साथ। तो ये जो है ये चाइना जो चीन सेंट्रल ऑफ ओरिजिन के प्लांट पौधे या फल है, तो इसे आप याद कर सकते हैं पास होने की मुलाकात मंडारिन लीची के साथ। अगला जो हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है अफ्रीका। ये फल तो नहीं है लेकिन ये सिंगल क्रॉप्स है, उनका भी एक ट्रिक है, वो भी आपको बता दे रहा हूं। जो है अजब, अजब आ से हो जाएगा अरहर, जा से हो जाएगा ज्वार, बा से हो जाएगा बाजरा, आसर जगह रहा ज्वार बाजरा अजब। अजब ट्रिक से आप याद रख सकते हैं जितने भी अफ्रीका के ओरिजिन के ये सीरियल क्रॉप्स हैं, जो खाद्य फसलें हैं उनमें से आप याद रख सकते हैं अफ्रीका। और कुछ है उनके ओरिजिन के लिए, जैसे कि पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट जिसे अनार बोलते हैं हिंदी में, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है ईरान। मैंगो आम, इसका ओरिजिन प्लेस है इंडो, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। जो आलमंड है, आलमंड जिसे हिंदी में कहते हैं बादाम, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है अफगानिस्तान। जो आलमंड है उसका ओरिजिन प्लेस जो है वो अफगानिस्तान है। अगला जो हमारा सेक्टर है वो है दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया
इसमें जो फ्रूट है वो ओरिजिन प्लेस क्या आते हैं, जिसमें से है केला, बनाना, कोकोनट, नारियल, लेमन, लाइम जो था वो इंडिया का ओरिजिन का है, लेकिन लेमन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया ओरिजिन का है, पोमेलो, क्वींस, ये माइनर फ्रूट है। इसमें आप याद रखते हैं केला, कोकोनट, लेमन, पोमेलो और क्वींस, ये जो है ये सभी साउथ ईस्ट एशिया ओरिजिन के फल हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें हम कुछ स्पेशल जैसे कि जो कि माइन मेड बनाए गए हैं फल, उनके बारे में, उसमें है स्ट्रॉबेरी, फ्रांस में डेवलप किया गया था जो कि एक ह्यूमन बींग्स द्वारा किया गया है, इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो फ्रांस की माना जाता है। अगर बात करें एप्पल की, सेब की, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय जो है वो इसका ओरिजिन प्लेस है। अगर बात करें पियर की, नाशपाती, हिंदी में नाशपाती बोलते हैं, हिंदी में से नाशपाती कहते हैं, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है यूरोप, नाशपाती का जो ओरिजिन प्लेस है वो यूरोप है, जो कि ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको कुछ आज नया सीखे हो हमसे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।